शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 4 साल हो गए, उसके मुताबिक भी सरकारी विद्यालयों में कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि कहीं पे पानी की तो कहीं पे रसोई गैस की, कहीं पे मिड डे मील की, कहीं पे शौचालयों की, कहीं पे भवन की। इसी तरह मैं आज आप सभी लोगों को ले चलती हूँ करौली जिले के अस्थल गाँव में, जहाँ पर पानी की व्यवस्था पूर्णतः नहीं होने की वजह से वहाँ के बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की क्या परेशानी है आपको? पानी है ही नहीं, हम घर से बोतल लेकर आते हैं। कितने दिन से है ऐसा? गलन दिन से। पानी की ज़्यादा परेशानी है, हम आधे किलोमीटर से लाते हैं और फिर चूल्हे जलाते हैं, जब हम दो ही घंटा खराब हो जाते हैं हमारे। पानी की बहुत समस्या है, पहले में काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है और बच्चे अपने घरों पर जाके पानी पी के आते हैं, बर्तन साफ करने के लिए पानी नहीं पीने के लिए। सबसे बड़ी समस्या पानी की है और 2 बोरिंग हो चुकी है यहाँ पे, तो हैंडपम्प भी खुल चुके हैं पर पानी किसी ने पूरा नहीं करवाया, किसी ने अधूरा छोड़ के चले जाते हैं काम। टंकी बनी हुई है, खाली टंकी पड़ी हुई है। उसके लिए आपने अब तक क्या किया? हमने लिखित में सूचना दे दी है उनको कि हमारा कनेक्शन होना चाहिए। कितने समय पहले लिख के दिया आपने? हमने कम से कम 6 महीने पहले दे दिया लिख के। जिला परिषद के सीओ से निवेदन है कि अपने सरकारी विद्यालयों को विजिट करें, जिससे जिन स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है उन व्यवस्थाओं की पूर्ति की जाए, जिसमें करौली जिला परिषद सीओ का नंबर है 074-64-250-630। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड के लिए।